हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिंग हब्स। मेरा नाम है अंजलि। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे पार्ट टाइम जॉब के बारे में जो अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो भी कर सकते हैं, या फिर आप कोई फुल टाइम वर्कर हैं तो भी आप कर सकते हैं, या फिर आप एक हाउसवाइफ हैं तो भी आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, इस काम में होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। इस काम में आपको सिर्फ ये चेक करना है कि इंटरनेट के ऊपर जो तरह तरीके के विज्ञापन आते हैं या फिर कोई एड्स आते हैं, तो क्या वे विज्ञापन और एड्स इंटरनेट की गाइडलाइन के मुताबिक हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल काम है, इसमें आपको सारी की सारी गाइडलाइंस दी जाती हैं। उसके बाद आपको सिर्फ ये देखना होता है कि ये गाइडलाइंस मीट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो कितना आसान सा काम है ना, और आप इसको एक पार्ट टाइम वर्क की तरह कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे ले जाके दिखाती हूँ कि कैसे आप इस साइट पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले, उससे आपको आने वाले हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले करना है कि हमें गूगल पे जाना है, यहाँ पर linebridge.com टाइप करना है, ठीक है। linebridge.com टाइप करेंगे, इस साइट पे जाएंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने खुल के आएगा, ठीक है। आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जाके टॉप साइड पे लिखा हुआ आ रहा है, देखिए इतने सारे ऑप्शन है, इसमें से आपको ज्वाइन योर टीम में क्लिक करना है। ज्वाइन योर टीम में जब आप जाएंगे तो आपको डिटेल्स दिखाई देंगी कुछ, आप उन्हें पढ़ सकते हैं एक बार अच्छे से। और उसके अलावा क्या करना है, आपको जब आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे दिखाई देगा करेंट जॉब्स ओपनिंग, मतलब कि जो जॉब अभी ओपन है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे सकती है, तो आप यहाँ पर जाके उन्हें देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर चार कैटेगरी की जॉब है, 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहली जो जॉब है वो है कॉर्पोरेट एसोसिएट्स की, दूसरी जो जॉब है वो है रेटर्स, एनोटेटर्स एंड टेस्टर्स की, और जो तीसरी जॉब है वो है ट्रांसलेटर एंड एजेंसीज की, और जो फोर्थ जॉब है वो है इंटरप्रिटेशन जॉब्स, ठीक है। तो अगर आप इनमें से कोई भी जॉब से रिलेट करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो ये पहली जॉब है वो फुल टाइम जॉब है, ठीक है, उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा, और बाकी जो ये सेकेंड ऑप्शन है वो आपकी पार्ट टाइम जॉब है, और बाकी ये जो अगर आप ट्रांसलेटर हैं अच्छे खासे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक तरीके की फुल टाइम जॉब है और ये भी एक तरीके की फुल टाइम जॉब है। तो जो पार्ट टाइम जॉब है वो ये है, रेटर्स वाली और टेस्टर्स वाली। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये जॉब है इस पे लर्न मोर पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आएगा इस तरीके का। आप इसमें थोड़ा सा नीचे देखेंगे, सारे के सारे डिस्क्रिप्शंस को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, कैसे ये काम करती है, इस तरीके से यहाँ पर पूरा दिखाया गया है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर व्यू ऑल जॉब्स एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे जब आप, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर सारी की सारी जॉब्स दिखाई देने लग जाएंगी कि कौन सी जॉब यहाँ पर अभी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी कंट्री का नाम डालना है, जैसे कि आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर इंडिया डाल देंगे, ठीक है। इंडिया में अभी इस टाइम पे 3 जॉब्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे तो आपको जॉब्स दिखाई देने लगेंगी जो इस तरीके से होंगी। उसके अलावा यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको हिंदी आती है या फिर इंग्लिश आती है या फिर उर्दू आती है, तो आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो तीनों ही लैंग्वेज जो भी आप डालेंगे तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगी। तो जैसे आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है अरेबिक में अभी कोई भी जॉब नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से जितनी भी लैंग्वेज है उसकी जॉब्स यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रही है। तो अभी जो जॉब्स अवेलेबल है वो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में अवेलेबल है। तो अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ 3 ही जॉब है, अब इसमें कैसे होगा, लेकिन देखो घबराने की बात नहीं है। जो इसमें 3 जॉब आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर,
ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसमें एक ही जो ये जॉब है इसमें बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया जाता है। तो ये जॉब सिर्फ एक दो और तीन ही जॉब नहीं है, ये समझिए आप बहुत सारे लोगों के लिए जॉब यहाँ पे दिखाई गई है। सिर्फ इसमें यहाँ पर ये नहीं शो किया गया है कि ये कितने सारे लोगों को यहाँ पर रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ तीन ही लोगों के लिए जॉब है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए जॉब दी गई है। तो अगर आप हिंदी लैंग्वेज रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। अभी इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आपको चाहिए होंगी। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल के आएगा जिसमें लिखा होगा हिंदी लैंग्वेज रिसर्च प्रोजेक्ट इंडिया, ठीक है। जब आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको जॉब की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिखाई देगी, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको इसके लिए चाहिए, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब है, ये आप ये कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं अपने घर से, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो टास्क है सिर्फ 3 घंटे का है, 3.5 घंटे का, और इसमें आपको $25 इस टास्क को करने के दिए जाएंगे। तो काफी अच्छी जॉब है मुझे लग रहा है जहाँ तक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाके नीचे जाके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा, और फिर क्या होगा, आपको नीचे दिखाई दे रहा है एक फॉर्म, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला, ये फॉर्म आपको सबमिट करना होगा। इसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, आपको अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये भरना है, ठीक है। जैसे जैसे ये बोल रहा है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी है, ठीक है। जब आप नीचे जाएंगे तो टर्म्स और कंडीशन को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि आपको पूरा का पूरा नॉलेज हो जाए कि ये फॉर्म एक्चुअल में क्या कह रहा है। उसके बाद आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे और नीचे जाएंगे और यहाँ पर जाके सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको 2-3 दिन का वेट करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन लग सकते हैं रिस्पॉन्ड आने में। आगे से जो रिस्पॉन्ड आपको लायन ब्रिज की तरफ से आएगा वो वाया मेल आएगा या फिर आपके फोन नंबर पे आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस तरीके से जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों इसी तरीके से जो अदर जॉब इसमें दिखाई गई थी जैसे कि सोशल मीडिया एवेल्यूएटर, इस जॉब के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसे क्लिक करेंगे तो इसका पेज खुल के आ जाएगा, ठीक। थोड़ा सा टाइम लगा रहा है जो इस तरीके से होगा। अब जब ये सोशल मीडिया इवेल्यूएटर वाला पेज खुल के आएगा तो इसमें आप इसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से। तो इसमें क्या है, इस जॉब में पर्टिकुलरली आपको दिखाया गया है कि आपकी ड्यूटीज क्या है। आपको रिव्यू करना है टारगेटेड एड्स को, सोशल मीडिया पे जो भी एड्स हैं उनको रिव्यू करना है आपको, और उसका फीडबैक देना है आपको। जो भी कंटेंट डाला गया है उसमें फीडबैक आप देंगे। तो इसमें क्या होगा कि और आपको 5 डे मतलब कि वीक में 5 डे आपको वर्क करने के लिए बोल रहा है और सिर्फ आपको 1 घंटे काम करना होगा रोज, ठीक है। तो काफी अच्छा है, इसमें आपको दिखाया गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम कहीं से भी कर सकते हैं, 5 डेज पर वीक अप टू 1 आवर पर डे, ये इसमें दिखाया गया है शेड्यूल इसका, और आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके की जॉब है, काफी सही जॉब है ये। और क्वालिफिकेशन आपको दिखाया गया है इसमें कि आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, आपको सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो भी चीजें इसमें दिखाई गई हैं वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल की जो चीजें हैं वही इसमें मांगी गई हैं एक्सपीरियंस के लिए। और यहाँ से आप अप्लाई करके सेम जैसे आपने पिछली जॉब में अप्लाई किया था वैसे ही अप्लाई करेंगे, और नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। इसमें कुछ अलग तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, सारी जॉब्स के लिए इन्फॉर्मेशन फिल करने का तरीका अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे आप, मैंने आपको दिखा दिया है। इसमें ये आपका फॉर्म दिखाई दे रहा है आपको, तो ये फॉर्म के बाद आप लास्ट में इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ जो नेक्स्ट जो जॉब थी इसमें उर्दू वाली, उर्दू इंटरनेट एसएसआर वाली, वो आपको कैसे करना है। तो इसमें क्या करना है, आपको इस जॉब में टाइप करना है, ऐसे करके क्लिक कर देंगे, ठीक है, ये जॉब खुल के आ जाएगी। तो जिन लोगों को भी उर्दू आती है लैंग्वेज वो इसमें अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश आती है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस जॉब के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाके इसको फिल करना है।
अप्लाई ना करना है और एक तरीके का आपके पास रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है, इन्फॉर्मेशन फॉर्म, उसको फिल कर देना है और उसको आप सबमिट कर देना है। जैसे कि प्रीवियस आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरीके से फॉर्म को फिल करके सबमिट करना है, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। सभी जो जॉब्स हैं उसमें फॉर्म भरने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है, तो आप एकदम कंफ्यूजन में ना आए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आपको इस तरीके से सारे के सारे जो फॉर्म है वो आपको भरना है। इसमें आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए, तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद जाके आपके लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, ठीक है। आपको जो भी दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, फिर मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी और पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगी, अगर आपको चाहिए होगा तो बता दूंगी कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।